नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लाइव। सबसे पहले आपको हम बताते चले कि इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल में है और हमारे साथ डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हैं, जो ये ट्रस्ट को संस्था का जो डायरेक्टर भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे चूंकि आज पूरा देश 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में सर, आज 75वां गणतंत्र दिवस, सबसे पहले 75वें गणतंत्र दिवस की आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे श्रोतागण को। आज हम लोग अमृत काल का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह हमारे लिए और हम सभी जन के लिए, भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है। गौरव का क्षण इस मायने में भी है कि हम अमृत काल में प्रवेश कर करके बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो अमृत तुल्य है। उसमें से बहुत सारा हमने इस अमृत काल में चंद्रयान को भेजा है, इस अमृत काल में हमने सूर्यान को भेजा है और इसी अमृत काल में हमने सदियों पुराना रामचंद्र जी के, भगवान रघुवर जी का अपना जन्म स्थान मिला है, जहाँ पर वो विराजमान। तो ऐसे ऐसे और भी कई काम हैं जो इस अमृत काल में हुआ है। तो इसे इस क्षण के लिए और हम लोग को गर्व की बात है, गर्व करना चाहिए। अमृत काल में गणतंत्र दिवस, इस वर्ष का गणतंत्र दिवस हम लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए और भी गौरव का क्षण है। इसके साथ ही हमारा आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, हम सामरिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम उड्डयन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम नित नए 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 ऐसे ऐसे आयामों को छू रहे हैं जो विश्व के मानस पटल पर हम लोग को पहुँचा दिया है। इस तरह से हम पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारे ऐसे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री मिले हैं जो हमें विश्व क्षितिज पर लाकर पहुंचा दिए हैं। उनकी बातों को, उनके कार्यशैली को, उनके कर्तव्य परायणता को, उनके दीर्घ संकल्प को हम लोग आत्मसात करना चाहिए और उनके कहे हुए कदमों से चलने चाहिए। भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली प्रधानमंत्री मिले हैं और उनको उनको सिर्फ और सिर्फ कि हमारा भारत कैसे आगे बढ़े, हम लोग सब कैसे आगे बढ़े, यही सोच रहती है। यह गणतंत्र के लिए बहुत बड़े गौरव का क्षण है कि जहाँ का राजा जो हमारे हम पूरे भारतवासियों को देख रहे हैं, वह एकदम सुदृढ़ है, ईमानदार है और कर्तव्यपरायण है। तो यह गौरव की बात है जी। एक सवाल और आपसे रहेगा, चूंकि आज गणतंत्रता दिवस है, ऐसे में आपने जो कहना था बोल दिए, लेकिन एक और कहीं ना कहीं बिहार में तापमान काफी तेजी से उभर चुका है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं और नया सरकार बना सकते हैं, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, हम लोग तो राजनेता नहीं है और हमें उसकी बहुत जानकारी नहीं रहती है, लेकिन जो भी जानकारी रहती है उसमें से यही है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर नीतीश जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं और वो अग्रसोची हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनको जो नियति जो अच्छा लगता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। आज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है, इसकी खुशियां मनाइए और राजनीति को अपने जगह पर छोड़ दीजिए। हम लोग डॉक्टर लोग हैं, हमको राजनीति से बहुत लगता है और अच्छा है, अच्छा है जो... लेकिन सर कटु सत्य है कि आप भी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुबह हम लोग निकले थे तो पूरी तरीका से, खास करके कहता है बादल, पूरा कोहरा, पूरी तरीका से मैंने कहा जाए कि पूरा ठंडा था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने के बाद उसके बाद देखे कि एकदम क्लीन हो गया। तो ये क्या संकेत दिख रहा है? और कहीं ना कहीं सर ये भी सियासी लोगों के लिए, हम लोग चिकित्सक के लिए अच्छी से बात करिए कि चिकित्सा में क्या अच्छी बातें आई जो बताइए, गणतंत्र में क्या अच्छा हुआ सो बताइए। देखिए, एक बात कह देने से लक्षद्वीप कहाँ से, मालदीव में लोग जाते थे घूमने के लिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री महोदय ने एक बात कह दिया
कि लक्षद्वीप उससे भी अच्छा है और उसका वीडियो भेजा। वास्तविक में लक्षद्वीप इतना अच्छा है, वहाँ पर्यटन के लिए जाइए, ऐसे की बात कर दिए। सियासी की बातें सियासत एक सर एक सर और सवाल चलते चलते रहेगा मेरा, कि ये बताइए नीतीश कुमार को महागठबंधन में रहना चाहिए या फिर एनडीए में चलना चाहिए? मैं से होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते देखिए, स्वाभाविक रूप से जनता तो मैंडेट यही दिया था कि उनके उनके मैंडेट यही दिया था कि वो उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने ही शायद पता नहीं उनके उनके समझ में क्या आया कि जनता के आवाज को छोड़ कर करके फिर पुनः उनके साथ चले गए। तो लगता है शायद फिर वो जनता का बात सुने हैं और लगता है कि फिर उनके वो बीजेपी के तरफ आने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये वास्तविकता तो यही थी कि वोट जनता से इसी यही कह के लिए थे कि हम केंद्र के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। तो जनता तो मैंडेट उनको यही सी के लिए दिया था। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार से गलती हुई और वो गलती का पश्चाताप करके फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं? मैं गलती सही का बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंडेट भारत बिहार की जनता ने मैंडेट यही दिया था कि उनको बीजेपी के साथ रहना चाहिए था। तो ये हमारे साथ थे एनपी प्रियदर्शी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैंडेट जो था कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू का था, न कि आरजेडी और जदयू का था। हालांकि ये तो देखना ही होगा कि कब अगले 48 घंटा बिहार के लिए तापमान, देखिए तापमान भी काफी तेजी से एकदम उभर चुका है, ऐसे में बिहार की राजनीति किस तरफ करवट बदलने की वाली है वो तो समय ही बताएगा। कैमरामैन राजमानी के साथ मनीष कुमार, पब्लिक लाइव, पटना बिहार। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख